तो भी दोगे फिर भी देंगे आप। अच्छा आप खा के जा सकते। बहुत सारी अच्छी अच्छी आइटम्स है खाने के लिए यार, बहुत टेम्पटिंग है। दिन नई शुरुआत, कैसे हो दोस्तों? वो को पता है कि हमारी मीरा रोड की सीरीज चालू है। जो कुछ चीजें हमें पता है मीरा रोड की वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर आपको जानना है कि मीरा रोड में क्या अच्छी अच्छी चीजें, उसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो एक बार जाके जरूर चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वैसे आप लोगों से बात करते करते मैंने नोटिस किया कि मेरे बाल जो है काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, एंड इट्स बीन 2 ईयर्स कि मैंने अभी तक इनको जो है ना ट्रिम किया है ना कट किया है। मैंने 2 साल पहले कुछ हाइलाइट्स किए थे, वो वैसे के वैसे हैं। इस बार प्लान है कि मैं जुलाई में अच्छा सा हेयर कट करूँ एंड प्लस कलर भी करूँ। तो प्लीज जरूर सजेस्ट करना कि मेरे पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो उससे मेरा क्या फायदा यार, मुझे आप लोगों के साथ में ना ऐसे कैमरा ऑन करके बात करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एक टाइम वो था जब मैं बिल्कुल भी बातें नहीं करती थी, ना स्कूल में ना कॉलेज में ना घर पे। ऑब्वियसली मैं कुछ 10 साल की एज से अपने पेरेंट्स से दूर रहने लग गई थी, अपने रिलेटिव्स के पास में। ऐसा लगता है तब से जो कुछ भरा हुआ था आज यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद में वो सारी चीजें निकल के आ रही है। आप समझ सकते हो मैं 5th स्टैंडर्ड में जाने वाली थी, तो 10 साल का बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से दूर रहने लगे तो उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा ये आप लोग समझ सकते हो। बट चलो कोई नहीं, सारी चीजें जो है आपको स्ट्रांग बनाती है, इंडिपेंडेंट बनाती है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? आज का जो कमेंट मैंने उठाया वो कुछ ऐसा है। तो ये मनोज घानेकर ने काफी प्यारा सा कमेंट किया था, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो इश्यूज होते ही है। किसी की भी लाइफ एकदम स्मूथ एकदम परफेक्ट नहीं होती है। एकदम खरी बात आपने बोली है। सबसे अच्छी चीज जो आपने मेंशन की है कि मेरा एनर्जी लेवल और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये सारा कुछ ना सच में दिल से बोल रही हूँ, आप लोगों के प्यार के वजह से, और आप लोग जो कमेंट करते हो और जो मुझे मोटिवेट करते हो ना उसी के वजह से है। बिकॉज अगर मैं वीडियोस डालते रहूँगी और आप लोगों ने अप्रिशिएट किया ही नहीं, आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स डाले ही नहीं, तो मेरा इतना कुछ करके कोई मतलब ही नहीं है अगर आप लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है। एंड आपने गुड लक भी विश किया यूट्यूब के लिए, तो आप भी जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में उसके लिए बहुत सारे बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। थैंक यू दोस्तों, ऐसे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते रहना, बहुत अच्छा लगता है। चलो यार आज एक और कमेंट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमेशा मुझे कमेंट करते हैं। उनका नाम इनायत है, मैं उनके कमेंट्स जो है यहाँ पे कहीं डाल दूंगी। इन्होंने लास्ट वीडियो में जो भी मैंने दुआ की थी वो अप्रिशिएट की, अच्छा लगा मुझे ये। एंड आप ही ने मुझे रिकमेंड किया था कि मीरा रोड का जो रमजान मार्केट है वो एक्सप्लोर करना है, तो थैंक यू सो मच। आपका नाम ही इतना प्यारा है ना, इनायत, वाओ आई जस्ट लव इट। थैंक यू सो मच इनायत, ऐसे ही सपोर्ट बरकरार रखना, गॉड ब्लेस यू। एंड यस मैं जो है तैयार हो चुकी हूँ और एक दो वीडियो शायद से, एंड फिर हमारा ये मीरा रोड सीरीज जो है वो हम खत्म करेंगे। बाद में अगर कुछ रहेगा तो ऑब्वियसली Part 2 भी लाएंगे उस चीज का। लेकिन इस सीरीज में आप लोगों ने काफी अच्छा प्यार दिया, बहुत सारे नए लोग जुड़े। मुझे नया सीरीज किसका बनाना चाहिए, मतलब हम बेसिकली एरियाज कवर कर रहे हैं जैसे मीरा रोड, गोरेगांव, मलाड, वैसे टाइप का। तो अब आप बताओ कि नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए या नेक्स्ट कौन सा होगा। और वो रहा हमारा म्याऊ, 2 बॉटल चढ़ा के मस्त सोया है भाई। सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। पेट लवर होगा तो अच्छे से समझेगा, म्याऊ के साथ में ना खेलते वक्त बहुत चोटें लगती है। ये देखो नया चोट उसने मुझे दिया है, बस और भी अगर आप देखो ना मेरे हाथ पे बहुत सारे इसने निशान करके रखे। कोई सोचेगा कि मैंने अपने लवर के लिए काटा है हाथ, बट मेरे इस लवर ने मेरा ये हाल किया है। चलो बातें बहुत हो गई, अब निकलते हैं बाहर और कुछ मजेदार सा एक्सपीरियंस करते हैं मीरा रोड का। दोस्तों घर से निकल चुकी हूँ, एक नई चीज हो गई यार, लिफ्ट में गाने बज रहे हैं ना, पहले नहीं बजते थे ना, अभी नई चीज हो गई है। चलो कोई नहीं, सीधे जो है मैं आप लोगों को
स्टेशन पहुंच के नहीं, जिस स्पॉट पे हम जा रहे हैं ना वहाँ पे पहुंच के मिलती हूँ, बिकॉज अभी हम मीरा रोड की सीरीज कर रहे हैं तो बार बार स्टेशन जाते हैं, तो स्टेशन क्या ही दिखो, पहले वाले ब्लॉग्स देख लेना, अब सीधे जो है मेन स्पॉट पे पहुंचते हैं एंड फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। ये है अपना स्पॉट जो मैंने बोला था कि अपने को कहीं पे जाना है तो रसास हम आए हैं। मैं सोचा कि जब मीरा रोड हम कवर कर रहे हैं तो रसास नहीं भूल सकते, बिकॉज रसास का जो फूड होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस है और बहुत सारी भीड़ भीड़ लगती है यहाँ पे खाने पीने के लिए। तो चलो एक एक करके चीज़ें बताती हूँ कि यहाँ पे क्या है खाने के लिए और हम क्या ट्राई करने वाले हैं। इसके सामने भी ना लेन है बड़ा सा जहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम जो है टिपिकली रसास के रसास मॉल के अंदर क्या क्या है, जो बाहर जो लेन लगती है जहाँ पे खाने के लिए चीज़ें मिलती है वहाँ पे क्या क्या है वो अपन कवर करेंगे और कुछ चीज़ें मस्त वाली ट्राई भी कर लेंगे, है ना। चलो एंड ये है वो सामने वाला लेन जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, ये वाला जहाँ पे भी बहुत कुछ मिलता है खाने के लिए। बट यस, यहाँ पे कुछ फिक्स प्राइसेस में ना कपड़े वगैरह लगे हुए लाइक 150, 250, 350 वैसे टाइप के। यहाँ पे शायद बर्गर है और यहाँ पे शायद रोल्स वगैरह मिल रहे हैं। यहाँ पे पिज़्ज़ा एंड बर्गर ना बहुत अच्छा मिलता है, जो कि मैंने ना बहुत पहले एकदम ट्राई किया था, तो पहले सबसे पहले ना उस पर दहाड़ मारते हैं, है ना। ये रहा मॉल और उसी के सामने ये सारा कुछ ऐसे लाइन से खाने की चीज़ें लगती है। आपने ले लिए ना इनकी, तो ये आपको ये देंगे ही, है ना, देते ही हो, है ना। हाँ। फ्रेंच फ्राइज ये मैंडेटरी है, भी नहीं भी लेंगे आप हमारे तो भी दोगे फिर भी देंगे आप। अच्छा, हाँ, आप खा के जा सकते हैं। चलो हम हैं यहाँ पे पप्पू पिज़्ज़ा में, अब यहाँ से ना कोई एक चीज़ ट्राई करते हैं। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे है पिज़्ज़ा जो कि फैमिली मीडियम स्मॉल साइज में है, प्लस बर्गर एंड रोल्स भी है, चिकन सैंडविच है, फ्राई आइटम्स भी है। चलो मैं देख लेती हूँ मुझे क्या खाना है। बाकी ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का पूरा बता। हाँ। अच्छा, चिकन अरबी स्टिक। हाँ। ये वाली आएगी। हाँ। नॉर्मल वाली। हाँ। ये लॉलीपॉप, ये नगेट्स और ये थ्रेड है, और ये चिकन पॉपकॉर्न है, ये बर्गर आएगा, पिज़्ज़ा आएगा। अच्छा, देखो यार खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सिंस हमको बहुत और भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी टेस्ट करनी है, थोड़ी थोड़ी सी खानी है, तो इसलिए ये स्मॉल पिज़्ज़ा ले लेते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी आइटम्स है खाने के लिए यार, बहुत टेम्पटिंग है। ये फ्रेंच फ्राइज और ये दे दिया, इसे भी थोड़ा सा चख लेते हैं। ये आपको वैसे फ्री मिलता है, बाकी काफ़ी अच्छा एकदम वाइब आ रहा है यहाँ पे। आज वीकडे है इसके वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश नहीं है, वीकेंड के टाइम पे ना ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है। तो ये पिज़्ज़ा जो है आ चुका है, शेजवान चिकन पिज़्ज़ा है ये, बाकी मेयोनीज और सॉस दिया है साथ में, काफ़ी गर्म है, थोड़ा सा जो है रुक जाते हैं, बिकॉज अपने को जला के नहीं लेना है खुद को, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, है ना। तो समझ रहे हो इतना पूरा खाना है मुझे, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। सो दोस्तों चलो लेते हैं इसका पहला बाइट। चीज़ी बाइट था, नाइस डिसेंट। पूरे पिज़्ज़ा में से मैंने इतना पार्ट जो है खा लिया है, बस इतना बचा हुआ है। अब इससे ज़्यादा मुझसे खाया नहीं जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ पार्सल कर लूँ, बाहर किसी को दे दूँगी, या तो फिर शायद घर लेके चली जाऊँ और बाद में शायद मैं खा लूँ। बाकी अच्छा था पिज़्ज़ा, मज़ा आया खा के। और यहाँ पे चल रही है इफ्तारी की तैयारी, सारे शॉप वाले मिल के जो है यहाँ पे इफ्तार करते होंगे। तो यहाँ पे तो सारी ऐसे लाइन से खाने की शॉप है, बट साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी चीज़ें हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं खाने के लिए फालूदा, और मुझे एक्चुअली वेनीला ट्राई करना था बट इनके पास है नहीं, तो अपन शाही रोल्स ले रहे हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्रेयर्स हो रहे हैं, अजान हो रही है, रोज़ा चुटने का टाइम हो चुका है, तो थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ। शाही रोज़ फालूदा जो है आ चुका है, ये रोज़ कम ब्लैक करंट जैसा लग रहा है ज़्यादा। तो
खा लिया पी लिया, अब मैं यहाँ से जो है निकल रही हूँ और सीधे आप लोगों को घर पहुँच के मिलती हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ घर पे। चलो मैं आप लोगों से थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ रसास का। रसास में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे खाने के लिए, बहुत कुछ मिलता है, बट देन महंगा है। बाकी टेस्ट इज एवरेज। जरूरी नहीं है कि जो चीज मुझे ओके लग रही है वो भी आपको ओके लगे, शायद आपको पसंद आ जाए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। किसी भी वजह से वीडियो पसंद आया होगा, जिंगाट गर्ल की सेवाएं जारी रखनी है तो लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस। मिलते नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, है ना म्याऊ, बाय बाय। दोस्तों मैंने व्लॉग एंड कर दिया था, लेकिन आप लोगों को ये बताना जरूरी है, इसने मेरे लिपस्टिक का ढक्कन जो है, पहले तो इसने मेरी लिपस्टिक जो है नीचे गिरा दी, एंड इसका ढक्कन पता है आप लोगों को फुटबॉल की तरह मार मार के कहां पे फेंका है इसने, चलो दिखाती हूं। और मैं इसका ढक्कन कब से ढूंढ रही हूं, और इसका ढक्कन यहां पे बेड के नीचे पड़ा है, वो रहा ढक्कन मेरा। इसका ढक्कन किधर है, ढक्कन किधर है इसका, ढक्कन किधर है इसका पता, देखा मुंडे उठा के नहीं देख रहा बिकॉज इसकी गलती है। ढक्कन किधर है इसका, किधर है ढक्कन,